डिफेंस कम नहीं, बॉल को अपने कब्जे में, लेफ्ट फॉरवर्ड को देने का प्रयास। यहाँ पर दो दो खिलाड़ी आगे बढ़ने वाली आ जाते हैं। अदो नहीं तो अलग बोन खुद ही स्मार्ट डी वाली आगे टेबल बढ़ाई गया उसे अर्जेंटीना रे मिनाया आर्मिया जो तो बड़ी लंबा जो तो कर दिया और उन्हें दस दस नंबर जैसी रह रहा होगा ना अब्दुल हसन सही पोजीशन रहे ठीक पर रहे। हाँ जी हाँ, इस तरह से मुंबई टाइगर की टीम की तरफ से यह पहला स्कोर होता हुआ, जिस तरह से वहां पर बॉल का सही दिशा सिर्फ डायरेक्शन दिया वहां पर, और इस तरह से यहां एफसी मुंबई टाइगर की टीम ने पहला गोल डाल दिया है इस फर्स्ट हाफ के अंदर में। ऑपरेटर कौन है, मीटिंग क्यों नहीं बजा? बहुत ही अच्छा, और क्या यहाँ पर मौका बनाएंगे? तुरंत ही यहाँ रेटरिंग गोल हो सकता था। मुंबई टाइगर की टीम ने एक गोल की बढ़त ले लिया है। 11 नंबर जैसी पहने में मुंबई टाइगर की तरफ से खेलते हुए खिलाड़ी जिसने गोल दागा है। अब देखना है तेलंगाना हैदराबाद की टीम क्या रणनीति बनाती है। रनिंग बैक ऑफ साइड का महाइशारा हो गया है मैच रेफरी गया सुधीर मंडल जी। प्रत्येक साल गया सुधीर मंडल जी का बहुत अच्छा योगदान रहता है बतौर एक रेफरी के रूप में, लेकिन दोनों टीम अच्छा परफॉर्मेंस इस फर्स्ट हाफ के अंदर में। लगभग फर्स्ट हाफ का आधा समय, लगभग 14.5 मिनट के समय का यहाँ पर समापन हो चुका है, और देखना है लिया है वहां पर हैदराबाद की टीम मूसा नाम के ये विदेशी मूल के खिलाड़ी। रंगे बॉल फिर से आया है शाहरुख अली के पास, तुरंत ही बॉल को पीछे की ओर बॉल को रिलीज कर दिया सलाम के लिए, और सलाम में दुआ सलाम करते हुए आगे बढ़ाया था बॉल को। बढ़त पर इस समय है मुंबई टाइगर की टीम। इससे पहले के मैच में डार्क स्पिरिट साहबगंज पुणे सिटी के बीच का मैच को हम लोग देख चुके हैं, और यहां पर साहबगंज की टीम ने एक गोल से उस मैच को जीत लिया है। ले चल पहली बार यूनिक जीतू भी नहीं होगे तो यार मैं जा रही हूं जाती नहीं तभी कहां गया मूसा बाबा जगह की ब्लॉक है यार। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला, इंटरेस्टिंग बोर्ड पर यह मुकाबला हम लोग देख रहे हैं। देखिए मुसाफिर से बॉल को जीतने की कोशिश में है, लेकिन सलमान ने उनके मोमेंट को भी लगी थी योगदान है अंदर। गोलकीपर आकाश शर्मा का बहुत ही अच्छा से अभी भी इस मैच में काफी समय बची हुई है। मोसी जो तो बड़ी विदेशी फुल बैक खिलाड़ी वाला फुल बैक हो जाती है ना भी। हाँ इसे जर्सी नंबर 8 पर होगा खिलाड़ी डेविड और ये चीज आपको अच्छा लगेगा कि ये विदेशी मूल के खिलाड़ी बांग्ला भाषा को अच्छी तरह से बोल समझते हैं, बोल पाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है।